हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूँ सब बढ़िया हो, मजे में हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो भैया, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। भाई टाइम हो गया, लगभग भाई 12 बज रहे हैं और भाई आज का जो व्लॉग है वो भाई धमाकेदार होने वाला है, तो भाई देखना, क्योंकि भाई आज जो हम कुछ करने वाले हैं व्लॉग में, यानी भाई हमारे घरों में शादी, शादी से पहले जो रस्में होती है वो भाई आपको दिखाएंगे। तो आज की जो रस्म है वो होती है मिट्टी लाने के लिए, मिट्टी लाते हैं जोड़वे में से, तो आपको दिखाएंगे फुल व्लॉग, बने रहना व्लॉग में पूरा देखना। ये मैंने अपना इंडा ले लिया है यूं सर पर रखने के लिए, और भाई ये सूट मैंने वही डाला क्योंकि खड़ी चोट एकदम प्लानिंग सी बन गई है, पहले कोई प्लानिंग नहीं थी भी मिट्टी लाने की, तो खड़ी चोट बन गई है, तो इसलिए भी अलमारी में यही सूट मिला था, तो मैंने यही डाल लिया, संदूक खोलने का टाइम नहीं मिला। तो ठीक है, अभी व्लॉग में बने जरूर रहना, पूरा देखना। जो चैनल पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और व्लॉग बताना कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करके जाना वीडियो ने, नहीं तो खोदनी पड़ेगी। जब तो खोदनी पड़ेगी, मैं लाई थी, जब तो खुद ही उठाई उठाई को ना, तू क्या खोद के लाई थी? लेगी थी बाकड़ी, बाकड़ी लेगी ले मैं ईब को ना, वो जम रही तो माटी निकाल दी ट्रैक्टर में, करवा होगी बकड़ी ना बढ़ा दी। हेलो गर्ल, हाय, एक गेल गेल गालो सेवी पास फेर तन बंदेड़ी पढ़ावेगी, फेर तेरे डांड लावेगी, बंद तोड़ तोड़ फोन तन पे पढ़ा रोड पे जा रहे हैं, रोड पे भी आ गए हैं, आज मट्टी लेने तय, तो भी शादी है 2 दिसंबर की, तो उसके लिए भी मट्टी लेने जा रहे हैं, सारी इकट्ठी हो गए, और देखते रहे भाई, आगे दिखाऊंगे आपने जैसा जो बनेगा व्लॉग में सारा आपने शेयर करांगे। ये भी आ गया हम रोड पे, अरे कर लेंगे मट्टी, ये उसकी चूल्हे की मट्टी लेके उस जगह आ गए हम, उसी जगह मारे पूछता है तो शादी वादी की मट्टी लेके जाऊ, तो उसी जगह अगर ये देखो थोड़ा पानी था उसी नाराज, तो कति फूल लहरा रहा ले रहा है, ये कति फूल भरा है, आज तो और चूल्हे पहले कहती थी दो चूल्हे, एक एक पानी रखी ना, जब
दीदी हमने अपने गांव में ढोया था सारा, सबने अपने अपने गांव में ढोए थे। ये मेरा बोल रहे उल्टी हाँ बस ये खोती क्यों ना किसी ऊँट ऐसी ऐसी ऊँट लुगाई है खड़ी होकर देख लाग रही है अड्डे में तमने अपनी छोरिया की मेर ना थी जी गया तुम भगवान से पहले तो ही हो घड़ी आटे पे नंदा ना मत ले कई दिन में आटे में हो आप ये ऊँट होगी ना नंदा तुमने लेनी देनी पड़ जाऊंगी तो कहां समझाऊं तुम्हें हम तो फिर कितने कितने रोज रोज बैठेंगे ना अपनी बुआ की बताते हैं मैं मनाती आंडो के अपने ब्याह में भी हां मेरी मनाती आंडो के कित गई यार तैयारी अब उसको बैठ जाऊंगी ये भी बरगे मारे तसले सारिया के एक दो रह रहे हैं ये भी अपनी अपनी बात बता रही हैं सारी बस जी जी बहुत से और केक रोगे मट्टी का बहुत से मट्टी तो थोड़ी ले जा है सही बात से यह बात में सहमत सुबह इतना का दुआना पड़े से मांग ले अपने आप पे ही रे जी भजन लगाइए रे तैसी मैये रे आगे रे जी भजन लगाइए रे मना का रे मलारी मत जाइए भी आ गए हैं घर ने भी आप यहाँ डालेंगे सारी बात खड़ी हो जाओ भाई साहब लगते अपनी छोरिया की सारी माटी बनना खुद दी ये मेन काम देखे थे बोली बड़े मत पड़ जाइए पर
वीडियो में जीजी की आवाज है। हाँ सारी रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड हो रही है, चिंता ना करो, अब रिकॉर्ड से सारी ब्याह पीछे सबूत दिखाओगे सबने। चलो गाओ। जब जोर लगाया तो बर्फी नंबर आया। जब तेरे ताऊ हजारी ने शहर सारा सजाया है, तेरी आदी के जीवन में ये शुभ दिन आज आया है, तेरी ताई के जीवन में ससुराल जाना है। उठो बन्ना सजो जल्दी, तुम्हें ससुराल जाना है। तेरी मंदिर दादी को देते घर देते तो जी आ गई हैं हम अपने घर, मतलब जहाँ पे गए थे मट्टी लेने, जो रस्म थी वो भाई करके अपने घर आ गई हूँ। और भाई जो काम छूट गई थी दम में वो आके मैंने पूरा कर लिया। अरे अब तो खैर टाइम हुआ है 4 का और अब मैं निपटी हूँ काम से। और भैया यहाँ मैं बैठे बैठे मैं पानी पी रही, चलो आपसे बात कर लूँ इतना। तो ये भाई पानी था पालक का, सुबह भाई रायता बनाया था जिसलिए तो उसमें पानी बच गया। तो भाई इससे महज जो कोई विटामिन प्रोटीन है, क्योंकि भैया शुद्ध है बिल्कुल पालक, इसमें कोई स्प्रे वप्रे का नहीं है, खेत का सुबह ताज़ा तोड़ के लाई थी हुई है बिल्कुल। तो भैया वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इससे महज सारे प्रोटीन प्रोटीन है। तो जय तो मैं लाई और निभाया करके मैं पी लूँगी। इसमें 2 गिलास बच गए थे तो मैंने एक तो सुबह ले लिया था, और यानी कि भाई 12-1 बजे से ले लिया था, गई तब पी के गई। तो एक अभी भाई 4 बज रहे हैं, चलो एक पर बच गया, इसमें ले लूँ थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके। तो भाई मैं अपना पी रही थी बैठ बैठी। ठीक है भाई बताना भी आज कब लोग भाई आपने कैसा लगा। भाई आपके भी शादी से पहले ऐसी रस्म होती है, क्योंकि हमारे तो भाई जब मिट्टी लाते हैं ना शादी से पहले, तो मतलब होता है 100 महीने पर लानी पड़ती है, 100 महीने के बाद से 100 महीने रहता है ना शादी का तब लाते हैं। तो बताना भैया आपके भी भाई कब लाते हैं, कैसे लाते हैं। तो ठीक है उम्मीद करूँ भैया अपना आज कब लोग बढ़िया लग गया हो। ठीक है भाई फिर मिलूंगी आपसे एक और ब्लॉग में भाई सारा का, उम्मीद करूँ दिन बढ़िया गया हो एकदम। तो ठीक है भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग में। अभी जब तक ले सारा ने बाय बाय।